इस वीडियो में पढ़ने वाले लेसन 8 चैप्टर का नाम है द अरब एंड हिज कैमल, अरब और उसका ऊंट। अरब बोलते हैं, अरब प्रदेश में रहने वाले लोगों को अरब बोलते हैं। अगर ये स्टोरी नहीं पढ़े आप तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी पढ़ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आंसर समझने में, जितने सारे क्वेश्चन आंसर है सबको समझने में परेशानी नहीं। इसमें क्या होता है, अरब अपने ऊंट पर एक रेगिस्तान को पार कर रहा होता है तो रात हो जाता है, तो अपना टेंट लगा लेते हैं अरब। उसके बाद क्या होता है कि टेंट बहुत छोटा होता है, दोनों के लिए बहुत छोटा होता है, तो अरब अंदर चला जाता है और ऊंट को बाहर छोड़ देता है। ऊंट तो लेकिन ठंड क्या रहता है बहुत ज्यादा रहता है, फिर भी वो ठंड को ऊंट 2 घंटों तक सहता रहता है, टेंट के बाहर रहता है। टेंट तो अंदर जा नहीं सकता कि टेंट बहुत छोटा है, इसलिए अरब अंदर है और वो जो ऊंट है वो 2 घंटों तक, ऊंट 2 घंटों तक बाहर रहता है। फिर 2 घंटों के बाद बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है, अपने मालिक से बोलता है, अपने मालिक अरब से बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है तो क्या मैं अपना सिर और गर्दन अंदर कर सकता हूँ। तो अरब क्या रहता है, दयालु रहता है, बोलता है ठीक है, और वो अरब कोने में घिसक जाता है। उसके बाद क्या करता है, वो तो कुछ समय के बाद बोलता है कि मेरा जो शरीर है ना, मेरा शरीर को ठंडा लग रहा है, क्या मैं अपना आगे का पैर यानी फ्रंट लेग जो दो होता है वो आगे वो अंदर कर सकता हूँ। तो अरब बोलता है ठीक है कर लो, तो और वो अपने एक कोने में खिसक जाता है, टेंट के कोने में खिसक जाता है। तो अब क्या है, अब ऊंट अपना आगे का पैर यानी जो फ्रंट लेग है दोगो वो आगे करता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जो ऊंट है वो फिर बोलता है कि मेरा सिर गर्दन और आगे का पैर क्या टेंट के अंदर है, तो गर्म हो गया, लेकिन जो आधा जो शरीर है वो टेंट के बाहर है और हमको ठंड लग रहा है, तो हम दरवाजे भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो क्या मैं अपना पूरा शरीर टेंट के अंदर कर सकता हूँ। तो अरब बोलता है कि नहीं नहीं टेंट बहुत छोटा है, कैसे अंदर आओगे। तो फिर क्या है, जो ऊंट है वो चालाकी क्या दिखाता है, वो क्या वो बोल उसको अपने जो मालिक है अरब को ढकेल देता है, ठीक है, अरब को ढकेल देता है और बोलता है कि ओ आप अंदर बाहर जा रहे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये और अरब क्या, अरब बहुत को धक्का लगा तो स्पीचलेस, वो कुछ बोला नहीं और चुपचाप टेंट के बाहर खा रहा, और क्या और जो ऊंट है वो क्या अंदर था। बी पॉइंट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निश्चय दिए गए प्रश्नों को उत्तर मौखिक दें। ओरली में से तो मौखिक मुंह से बोलकर, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आता है तो इसके बनाते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाट डिड द अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड, अरब सड़क के किनारे अपना टेंट क्यों लगाया। तो आंसर हो जाएगा, द अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड टू स्टे एट नाइट, अरब अपना टेंट सड़क के किनारे रात में रुकने के लिए लगा। तब वो खाने में बता चुके हैं कि अरब क्या रेगिस्तान से गुजर रहा तो रात हो गया, तो ठहरने के लिए सड़क के किनारे अपना टेंट लगा था। टू, व्हाई डिड द कैमल वांट टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, ऊंट टेंट के अंदर अपना सिर और गर्दन क्यों रखना चाहता था, ठीक क्यों रखना चाहता था। कैंसर हो जाएगा, द कैमल वांटेड टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट बिकॉज इट वाज वेरी कोल्ड आउटसाइड, ऊंट टेंट के अंदर अपना सिर और गर्दन रखना चाहता था क्योंकि, बिकॉज मिस हो गया, क्योंकि बाहर बहुत ठंड था, तो ठंड से बचने के लिए अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर रखना चाहता था। थर्ड, व्हाई डिड द अरब स्टैंड स्पीचलेस, अरब चुपचाप क्यों खड़ा था। तो आंसर हो जाएगा, द अरब स्टूड स्पीचलेस बिकॉज द कैमल वेंट इन एंड पुश्ड हिम आउट ऑफ द टेंट, अरब चुपचाप खड़ा था क्योंकि ऊंट अंदर गया और उसको टेंट के बाहर ढकेल दिया। तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे कर दिया ऊंट हम इसको अपना सिर और गर्दन और आगे का पैर अंदर करने के लिए उसको इजाजत दी है और बदले में हमको ये सिला दिया और इसको हम पाल रहे हैं, ठीक है, तो अपने मालिक के प्रति क्या वो लॉयल नहीं है, ठीक है, वफादार नहीं है। तब जाके अरब को क्या बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और वो चुपचाप टेंट के बाहर खड़ा रहा। फोर है, वाज द अरब काइंड टू हिज कैमल, क्या अरब अपने ऊंट के प्रति दयालु था। तो लिखेंगे यस, द अरब वाज काइंड टू हिज कैमल, हाँ अरब अपने ऊंट के प्रति दयालु था। कैसे इसको ये पता चला है कि वो अरब अपने ऊंट के प्रति दयालु था, क्योंकि जो ऊंट है वो 2 घंटों तक बाहर खड़ा था, तो फिर बोला कि बाहर बहुत ठंड लग रहा, तो क्या मैं अपना सिर और गर्दन अंदर कर सकता हूँ, तो क्या अलाउ कर दिया अरब, अगर दयालु नहीं रहता तो अलाउ नहीं करता। उसके बाद बोला कि आगे वाला पैर हम मैं अंदर कर सकता हूँ,
तो फिर वो भी बोला कि ठीक है कर लो, और अपने कोने में खसक गया। ठीक है, तो अगर वो दयालु नहीं रहता है रब, तो अपने ऊंट को ना उसका सिर, गर्दन और आगे का पैर अंदर करने के लिए नहीं बोलता। अगर जगह रहता तो पूरा वो ऊंट को अंदर बुला लेता, लेकिन उसका भी रब का क्या था, मजबूरी था। 5, वाज द कैमल राइट इन पुशिंग आउट हिज मास्टर, क्या ऊंट अपने मालिक को बाहर ढकेलने में सही था, बाहर जो ढकेला अपने मालिक को, तो अच्छा काम किया। तो लिखेंगे नो, नहीं, द कैमल वॉज नॉट राइट इन पुशिंग आउट हिज मास्टर, ऊंट अपने मालिक को बाहर ढकेलने में सही नहीं था, क्योंकि वो उसका कर्तव्य बनता है अपने मालिक की सेवा करना। ठीक है, उसका मालिक क्या वो थोड़ा बहुत दयालु भी था, लेकिन जो ऊंट है वो क्या वो उसको पूरी तरह से बाहर ढकेल दिया, और ठंड में, बाहर बहुत ठंड था, तो मालिक क्या बहुत ही चुपचाप बहुत ही ठंड में रात भर रहा। सी पॉइंट 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है, व्हाई डिड द अरब लीव हिज कैमल आउटसाइड द टेंट, अरब अब टेंट के बाहर अपने ऊंट को क्यों छोड़ दिया। आंसर हो जाएगा द अरब लेफ्ट हिज कैमल आउटसाइड द टेंट बिकॉज द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, अरब टेंट के बाहर अपने ऊंट को छोड़ दिया क्योंकि टेंट दोनों के लिए बहुत ही छोटा था, मतलब टेंट छोटा था करने का मतलब दोनों हट नहीं सकते, इतना छोटा था टेंट, इसलिए अरब सोचा कि हम अंदर चले जाते हैं और ऊंट को बाहर छोड़ देते हैं। सेकेंड है, व्हाई डिड द कैमल वांट टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, ऊंट टेंट के अंदर अपना सिर और गर्दन क्यों रखना चाहता था। तो आंसर हो जाएगा द कैमल वांटेड टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट सो डैट दे कुड बिकम वार्म बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड। आंसर हो जाएगा ऊंट अपने सिर और गर्दन को टेंट के अंदर रखना चाहता था ताकि सो डैट दे कुड बिकम वार्म बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, ताकि वे सभी मतलब क्या उसके सिर और गर्दन गर्म हो सके क्योंकि बाहर बहुत ठंड था, बाहर बहुत ठंड था इसलिए वो ऊंट चाहता था कि हम अपना सिर और गर्दन अंदर कर लेता। 3, हाउ डिड द कैमल पुश हिज मास्टर आउट ऑफ द टेंट, थर्ड बोल रहा है ऊंट टेंट के बाहर अपने मालिक को कैसे ढकला, ठीक है, कैसे बहुत ही वो धीरे धीरे चिकने चिकना घड़ा की तरह बात करते करते वो अपने मालिक को बाहर ढकला था, तो ये पूरा प्रोसेस बताना, प्रक्रिया बताना, तो प्रक्रिया लिखेंगे। आंसर हो जाएगा व्हेन द अरब डिडंट अलाउ द कैमल टू एंटर हिज होल बॉडी इनसाइड द टेंट द कैमल वेंट इन एंड पुश्ड हिज मास्टर आउट ऑफ द टेंट। आंसर हो जाएगा जब अरब टेंट के अंदर उसका पूरा शरीर अंदर करने के लिए ऊंट को अनुमति नहीं दिया तो ऊंट अंदर गया और अपने मालिक को टेंट के बाहर ढकेल दिया। तो कहानी आपको तो बता ही चुके हैं कि सबसे पहले वो अपना सिर और गर्दन अंदर किया था, उसके बाद आगे का पैर, और जब वो पूरा शरीर अंदर करना चाहता था तो बोला अपने मालिक से कि पूरा शरीर अंदर कर ले, ठीक है, तो बोला कि नहीं टेंट बहुत छोटा है कैसे अंदर आओगे तुम, तो वो अंदर गया और ढकेल दिया और बोला कि आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत दयालु आदमी हैं, और वो जो बाहर क्या चुपचाप खड़ा रहा और ये वो अंदर मजे किया। फॉर हु इन योर ओपिनियन बिहेव मोर सेल्फिशली, आपकी राय में कौन ज्यादा स्वार्थपूर्ण तरीके से व्यवहार किया, ठीक है, आपकी राय में, हो सकता है कि आपकी राय मेरी राय से डिफरेंट हो, तुम अपनी राय इसमें दे रहे हैं, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सबसे ज्यादा स्वार्थी पूर्वक व्यवहार किया, अरब या उसका ऊंट। ठीक है, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में द कैमल बिहेव्ड मोर सेल्फिशली, ऊंट ज्यादा स्वार्थपूर्ण तरीके से व्यवहार किया। द अरब अलाउड द कैमल टू एंटर हिज हाफ बॉडी बट द कैमल पुश्ड हिम आउट ऑफ द टेंट, क्योंकि अरब ऊंट को उसका आधा सिर अंदर करने के लिए अनुमति प्रदान किया, लेकिन बदले में क्या किया ऊंट, लेकिन ऊंट उसको टेंट के बाहर ढकेल दिया, ठीक है, अंत में तो ढकेल ही दिया था अपने स्वार्थ के लिए। डी पॉइंट 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें। ये जो येलो वाला बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है इसी से भरना है खाली स्थानों को। देखिए कोल्ड में ठंडा, अरब में अरब, अरब प्रदेश में रहने वाले आदमी को अरब बोलते हैं,
यहाँ पर एक अरब की कहानी है और उसका ऊंट की कहानी है। हाफ मतलब द स्मॉल मिस छोटा और डिजर्ट मिस रेगिस्तान। ये है एन अरब वॉज क्रॉसिंग द डैश ऑन हिज कैमल। अरब अपने ऊंट पर क्रॉस कर रहा था, ठीक ना, पार कर रहा था। तो क्या पार कर रहा था? रेगिस्तान। तो हो जाएगा फर्स्ट में डेजर्ट। बी है द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट इन द डैश। तो ऊंट, ठीक है, क्या में इन द, यहाँ बोला जा रहा है इन द मतलब में क्या, तो ठंड में, ठीक है, ठंड में। तो यहाँ हो जाएगा कोल्ड। तो ऊंट ठंड में टेंट के बाहर खड़ा था, शुरुआत में खड़ा था। सी द टेंट वॉज टू डैश फॉर बोथ ऑफ देम। टेंट दोनों के लिए बहुत ही छोटा था। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल, टू स्मॉल, बहुत छोटा था। इतना छोटा था कि दोनों अट नहीं सकते। डी डैश ऑफ कैमल्स बॉडी वॉज आउटसाइड द टेंट। ऊंट का आधा शरीर टेंट के बाहर था। तो देखिए आधा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ हो जाएगा। देखिए हाफ, अब जो बच गया तो क्या बच गया, क्या बच गया, अरब बच गया, तो अरब हो जाएगा अंत में। देखिए ई द कैमल पुश्ड द डैश आउट ऑफ द टेंट। यहाँ पर अरब हो जाएगा क्योंकि यही बच गया, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊंट टेंट के बाहर अरब को ढकेल दिया। डी पॉइंट टू लुक एट द वर्ड्स शोन इन बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में बोल्ड में जो शब्द दिए गए हैं उसको देखिए। तो बोल्ड लेटर, देखिए ये बोल्ड लेटर में दिया हुआ, इसको रंग दिए ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो ये देखिए बोल्ड लेटर में दिया गया, बोल्ड में से होता गहरा, तो गहरा करके दिया गया। अगर कंप्यूटर आप चलाते होंगे तो आपको पता होगा। देखिए एट सनसेट ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड। सूर्यास्त होने पर, सनसेट में से होता सूर्यास्त होना, तो एट सनसेट सूर्यास्त होने पर ही गॉट डन, वह नीचे उतरा एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड, और सड़क के किनारे अपना टेंट को लगाया। तो देखिए गेट डॉन का ये V2 है, गॉट डॉन, ठीक ना, गेट डॉन का ये V2 है, गॉट डॉन, और पुट अप, तो पुट का V1 V2 V3 तो तीनों सेम ही होता है। बड़ा है कि इसको देखना और इसका हिंदी मीनिंग मालूम करने का प्रयास करना। तो गॉट डॉन मीन्स नीचे उतरा, पुट अप मीन्स लगाया। फिर आगे बोल रहा है गेस द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशंस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। बोल रहा है कि ये जो शब्द हैं इसके मीनिंग का अनुमान लगाइए और उनको अपने स्वयं के बनाए गए वाक्य में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए ये गॉट डाउन, इसका हिंदी मीनिंग निकालना है और इसका हिंदी मीनिंग निकालना, और इसका इसका गॉट डाउन और पुटअप का खुद के द्वारा बनाए गए सेंटेंस में इस्तेमाल करना। गेट डाउन मीन्स हो गया नीचे उतरना। एक बोल रहा था कि एक आप सेंटेंस बनाइए गेट डाउन से। तो देखिए ही गॉट डाउन द कार टू पी। पी मीन्स होता है कि पेशाब करना, तो वह कार से नीचे उतरा पेशाब करने के लिए। तो हो गया, बना लिए खुद से। देखिए गेट डाउन, यहाँ V1 है और यहाँ पर सेंटेंस में कभी V2 की आवश्यकता पड़ रहा था, V2 लिख दिए, गेट का V2 गॉट। नेक्स्ट है पुट अप। पुट अप मीन्स होता है लगाना, ठीक है, लगाना। एग्जाम्पल हो जाएगा द चिल्ड्रेन पुट अप ए टेंट टू प्ले इन द गार्डन। बच्चे बगीचे में खेलने के लिए एक टेंट लगाए, ठीक है, टेंट लगाए। हियर आर ए फ्यू फ्रेजल वर्ब्स विद गेट एंड पुट। बोला जा रहा है कि यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, किससे, गेट से और पुट से। ए फ्यू मतलब होता है कुछ, ए फ्यू मतलब होता है कुछ। देखिए फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आया, फ्रेजल वर्ब कहते किसको हैं? पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिए जब वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो वर्ब का मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है, इसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। देखिए कोई एक आसान सा एग्जांपल देखते हैं। पुट, पुट मीन्स होता है रखना, ठीक है, और ऑन लगा दिए, ऑन, ओ एन ऑन, ऑन मीन्स होता है पढ़। लेकिन पुट का मीनिंग पहले क्या था, रखना, जब ऑन लगा दिए ना ऑन प्रीपोजिशन, तो इसका मीनिंग रखना नहीं हो गया, या फिर पढ़ रखना नहीं हो गया, इसका मीनिंग हो गया पहनना। तो देखे पुट क्या वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है। तो फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन क्या बताएं अभी आपको, जब किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगता है तो वर्ब के मीनिंग में परिवर्तन आता है, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो बोला जा रहा है कि गेट और पुट से क्या है, फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, क्या, ए फ्यू मतलब कुछ। गेस देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। बोल रहा है कि गेस देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स, उनका जो अर्थ है उसका अनुमान लगाए कि क्या हो सकता है,
एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और खुद के बनाए गए वाक्यों में उनका इस्तेमाल कीजिए। देखिए पहला, तो आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, हमें है बताने के लिए। दो दे गॉट आफ्टर द थिप्स द पुलिस मैन फेल टू अरेस्ट देम, ये क्वेश्चन दिया गया, और ये जो गॉट आफ्टर है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग आपको बताना है, और फिर ये गॉट आफ्टर का इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस में, ठीक ना, अपने मन से कोई सेंटेंस बनाना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है मीनिंग निकाले, तो मीनिंग बताते हैं। यद्यपि वे सभी चोरों का पीछा किए, लेकिन क्या हुआ, लेकिन पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करने में असफल हुई। तो देखिए यहां पर चोरों का पीछा किया जा रहा, ठीक है, तो गॉट आफ्टर मीन्स क्या हो गया, पीछा किया, ठीक है, तो भी वन क्या हो जाएगा, गॉट का भी वन गेट होता, तो गेट आफ्टर मीन्स पीछा करना होता। बी आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही मैनेजेस टू गेट अलोंग विद हर, ये सेंटेंस पढ़ लिए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको समझना सेंटेंस को पढ़ के। तो गेट अलोंग मीन्स होता है मिलकर रहना, तो बोला जा रहा है कोई आदमी बोल रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ, डोंट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझता हूँ, वह किस प्रकार, ठीक है, उसके साथ मिलजुल कर रहने में मैनेज करता है। जैसे एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है, बैचलर लोग रहते हैं, यहाँ पे ही लड़का है और इस हर लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो बोला जा रहा है कि वह किस प्रकार वो, ठीक है, वह किस प्रकार उसके साथ मिलजुल कर रहने में मैनेज करता है, मैं नहीं समझ सकता हूँ, ये बोला जा रहा है। सी दे आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ, वे सभी सच्चाई को मालूम करने का प्रयास कर रहे हैं। गेट एट मीन्स हो गया मालूम करना, ट्रूथ मीन्स होता सच्चाई, और ट्राई मीन्स प्रयास करना, बस आईएनजी लगा दिए तो बिफोर हो गया ट्राइंग। तो आपका हिंदी मीनिंग किसका मालूम करने के लिए बोल रहा था, गेट एट का, तो गेट एट मीन्स हो गया मालूम करना। डी आई वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में जल्दी उठते हैं, ठीक है, अर्ली मिस हो गया जल्दी, गेट अप मिस होता है उठना, ठीक है, उठना। ई ही पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथेस ऑन दीपावली, वह दीपावली पर अपना सबसे बढ़िया कपड़ा पहना, तो पुट ऑन मिस क्या होता है, पहनना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, तो देखिए बोला जा रहा है यहां पर पुट अप विद का मीनिंग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मैं इस इंसल्ट को नहीं सह सकता हूं, तो यहां पर हो गया पुट अप विद मीन्स सहना, सहना। जी आई पुट अप दिस बुक ऑन द टेबल, मैं टेबल पर इस किताब को रखा, तो यहां पर पुट अप का मतलब हो गया रखना, और यहां पर पुट अप यानी पुट अप विद का मतलब हो गया क्या, सहना। तो देख रहे हैं एक ही वर्ड का ढेरा मीनिंग निकलता है, आप ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, पुट अप और पुट अप दो है तो क्या मीनिंग निकलेगा, ये सेंटेंस पढ़ के बोल रहा था पता करने के लिए, तो सेंटेंस इसलिए बोल रहा था सेंटेंस पढ़ के बताइए, क्योंकि पुट अप पुट अप दोनों का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब देखिए ये तो वर्ड मीनिंग हम लोग पता कर लिए, अनुमान लगा लिए, मतलब अनुमान नहीं मतलब सही सही हम बताएं, तो आपको बोल रहा था अनुमान लगाने के लिए, तो आप पढ़ लें। अब देखिए अब क्या बोल रहा था, अब इससे क्या करना ना, सबसे सेंटेंस बनाना, तो सबसे सेंटेंस बनाते हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा। गेट आफ्टर में क्या पीछा करना, तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, द कैट गॉट आफ्टर द रैट बट डिडंट कैच, गेट आफ्टर का भी टू गॉट आफ्टर हो गया, तो बिल्ली चूहे का पीछा किए लेकिन पकड़ नहीं सके। आप जरूरी नहीं कि यही बनाए, अपने मन से कोई भी आसान बना सकते हैं जिसमें गेट आफ्टर का इस्तेमाल हो। बी देखिए गेट अलोंग, गेट अलोंग मीन्स मिलकर रहना, यू शुड गेट अलोंग विद योर बॉस, यहां पर यू नहीं यहां पर योर होगा, छूट गया आर क्या हो गया, छूट गया। यू शुड गेट अलोंग विद योर बॉस इफ यू वांट प्रमोशन, बोला जा रहा है कि तुम्हें अपने बॉस से मिलजुल कर रहना चाहिए अगर तुम प्रमोशन चाहते हो, तो अगर प्रमोशन चाहते हो तो जाहिर सी बात है वो बॉस के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, बॉस जो बोलते हैं ना वो सारी बातें क्या माननी पड़ेगी, अगर एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलते हैं तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तभी जाके बॉस खुश रहेंगे और फिर प्रमोशन देंगे। सी गेट एट, गेट एट मीन्स होता मालूम करना, द पुलिस गॉट एट द किडनैप्ड गर्ल, पुलिस अपहरण की गई लड़की का मालूम की, पुलिस अपहरण की गई लड़की का मालूम की, कहने का मतलब पुलिस अपहरण की गई लड़की का पता लगाई।
डी गेटअप, गेटअप में होता है उठना। ही गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता है। ई पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। यू शुड पुट ऑन ए रेड शर्ट एंड ए ब्लैक जींस फॉर द फंक्शन। तो बोला जा रहा है कि तुम्हें फंक्शन के लिए एक लाल रंग का शर्ट और एक काला रंग का जींस पहनना चाहिए। तो इसमें क्या, इसमें बहुत सुंदर लगेंगे, एक लाल रंग का शर्ट और काला रंग का जींस। एफ पुट अप विद, पुट अप विद मीन्स होता है सहना। यू शुड पुट अप विद हिज जोक एंड नॉट टेक रिवेंज। तो देखिए कोई कोई होता है कि जोक मारने पर क्या मजाक करने में बहुत गुस्सा हो जाता है, तो उसी को, उसी आदमी को कोई दूसरा दोस्त उसका बोल रहा। कोई कोई होता है कि वो मजाक करने पर बहुत गुस्सा हो जाता है तो उसका दोस्त उसे समझा रहा, तो उसी को जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कोई भी उसका साथ मजाक करता है तो क्या बोल रहा है वो। यू शुड पुट अप विद हिज जोक, तुम्हें उसका जोक सहना चाहिए। एंड नॉट टेक रिवेंज, और बदला नहीं लेना चाहिए। टेक रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, रिवेंज मीन्स होता है बदला, और टेक मीन्स होता है लेना। तो बदला लेना हो गया टेक रिवेंज। पुटअप, पुटअप मीन्स हो गया रखना, ठीक है। तो हो जाएगा सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज पुट अप दिस कॉपी ऑन द डेस्क, कृपया करके डेस्क पर इस कॉपी को रख दो। देखिए अब इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में पढ़ने वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नाम है जिसका मॉडल्स। मॉडल्स को मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब जैसे कम हो गया, गो हो गया, ये सब, ठीक है। इसका जो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करते हैं V1, V2, V3, V4, V5, उसको मेन वर्ब बोलेंगे। कोई कोई वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब का मदद करते हैं सेंटेंस बनाने में, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये सबके सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, ठीक है। ये ऑट और टू क्या, दोनों साथ में है, और यूज टू दोनों साथ में है, अलग अलग मत लिखिएगा। तो टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखिए इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसपे सेंटेंस बनता है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो कुछ काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका जिस पे प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। V1 यानी वर्ब 1 है, जैसे कम, गो, इट, ये सब जो है V1 है, यानी V मतलब होता है वर्ब, क्रिया, क्रिया कहते हैं। वैसे सब जैसे काम करने या होने का बोध हो, जैसे लिखा हुआ सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो काम होने का बोध हो रहा है, तो इज क्या हो गया, वर्ब कहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही इट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है, तो यहाँ पर काम करने का बोध हो रहा है, तो इट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो ये हो गया, क्रिया आ गया समझ में। और ये जो मॉडल है, तो मॉडल तो पता ही है, ये सब 13 है। अगर आपको मॉडल वर्ब मुझसे पढ़ना है तो ये सारे का सारा जो 13 है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। और इसमें फोकस करेंगे जो किताब में जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, उसको बनाने पर फोकस करेंगे। ई पॉइंट 1, गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। बोला जा रहा है कि मॉडल का इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, तो क्या करने के बोला, टिक द करेक्ट मॉडल, सही मॉडल को टिक करें। देखिए ये जो है ना ऐसे करके ऐसे, उसको बोलते हैं क्या बताइए, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसका मतलब होता है कि या होता है, मतलब ये सही होगा नहीं तो ये सही होगा। मान लेते हैं कि मे सही होगा तो मे में ऐसे करके टिक मार देंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसमें कांट सही होगा तो कांट में ऐसे टिक मार देंगे, बस यही बोला करने के लिए। आगे आपको समझ में, दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, ये उसमें से कोई एक सही है, तो जो सही रहेगा उसमें टिक मारना। देखिए, मे और माइट आई पुट माय हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। बोला जा रहा है कि वो कौन बोला था, ऊंट बोला था कि अपने मालिक अरब से बोला था, क्या मैं अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर कर सकता हूं। तो यहां बताना है आपको कि मे लगेगा कि माइट लगेगा। तो देखिए परमिशन के लिए ना मे लगता है, मे जैसे बोलते हैं ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहां पर पता चल गया कि मे कहां लगता है, तो हम सभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मे आई कम इन, लेकिन बच्चों को पता नहीं रहता कि मे का इस्तेमाल हम लोग परमिशन के लिए करते हैं, अनुमति लेने के लिए
तो यहाँ पर ऊंट क्या कर रहा था? अपने मालिक से अनुमति लेना के लिए बोला था, तो हो जाएगा मे। नेक्स्ट वर्ड था यू वुडंट और कांट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। और अब क्या बोला था, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। तो देखिए सकना के लिए क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कैन नॉट को शॉर्ट में कांट लिखते हैं, सी एन अपोस्ट्रॉफी टी। थ्री है वी विल और शुड कैच ए कोल्ड, हम लोग दोनों को ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, जाएगी मतलब क्या, फ्यूचर टेंस, आने वाले भविष्य के बारे में बताने के लिए सेल और विल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि हम दोनों को ठंड लगनी चाहिए, ऐसा नहीं, हम लोग दोनों को ठंड लग जाएगी, हम दोनों को ठंड लग जाएगी थी, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में बोला जा रहा है, फ्यूचर टेंस तो सेल और विल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर विल है तो विल में टिक मार दिया। ये कौन बोला था, ऊंट बोला था, ऊंट किसको, अपने मालिक को बोला था। फॉर ए वुड और मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अनुमति ले रहे हैं किसी से, अगर कोई स्टूडेंट बोला टीचर से क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो यहाँ पर अनुमति ले रहे हैं, तो अभी आपको बताएं कि अनुमति लेने के लिए ना मे इस्तेमाल करते हैं, मे, तो एम ए वाई मे हो जाएगा। फाइव ए वी मस्टंट और शुडंट टच ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर, तो देखिए अब बोला जा रहा है कि हम सभी को जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर बिजली का तार नहीं छूना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, शुड का मतलब भी होता है चाहिए, एक और का मतलब होता है आउट, टू का मतलब भी होता है चाहिए, तो तीनों में डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। मस्ट मिस हो गया अवश्य चाहिए, शुड मिस चाहिए, और आउट टू मिस होता है चाहिए, ठीक है। मस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई काम बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो वहां पर मस्ट का इस्तेमाल होता है, और शुड का इस्तेमाल क्या होता है, नॉर्मल सेंस में होता है जब कोई काम आवश्यक हो, और ऑट टू का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये होता है चाहिए, और ऑट टू का इस्तेमाल होता है जब कर्तव्य का बोध होना तो इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल पढ़ेंगे तो तीनों में डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए पहला है वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये काम क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ ठीक है सड़क आ जाता है, ठीक है चारों तरफ से गाड़ियां आती रहती है, तो अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, धक्का लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और सभी को परेशानी होगा, ठीक है ना, आने जाने में, तो ट्रैफिक नियमों का क्या पालन करना क्या बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट लगा। उसके बाद देखिए चाहिए तो शुड, तो यू शुड रीड न्यूज पेपर, तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए ताकि आसपास पता चल सके कि दुनिया में और आस पड़ोस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई बोल रहा है कि तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड न्यूज पेपर, तो वो अखबार नहीं भी पढ़ सकते, एक तरह से सजेशन का बोध करा रहा है, ठीक है, और ये काम आवश्यक भी है तो शुड लगा सकते हैं। आप देखिए आउट टू, तो आउट टू का क्या बताएं, चाहिए के सेंस के लिए लगता है लेकिन कर्तव्य का बोध कराता है, कर्तव्य का, जैसे देखिए वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्तव्य का बोध हो रहा है, तो ऑट टू लगेगा। तो देखिए फाइव में क्या बोला था, वी मसंट और शुडंट टच लाइव इलेक्ट्रिक वायर, हमें बिजली का तार नहीं छूना चाहिए, ठीक है नहीं छूना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, अवश्य नहीं छूना चाहिए, नहीं तो छुएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो यहाँ पर अवश्य का सेंस है, बहुत जरूरी है ये जो काम है ना, ये इलेक्ट्रिक वायर को नहीं छूने का काम बहुत जरूरी है, तो क्या होगा, मस्ट नॉट, तो मस्ट नॉट को शॉर्ट में एम यू एस टी एन अपोस्ट्रॉफी टी लिखते हैं। सिक्स हो जाएगा कि ही वाज सो स्केयर्ड ऑफ हिज मैथ्स टीचर, वह अपने मैथ टीचर से इतना भयभीत था कि ही नीड नॉट और डेड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, वह उनसे कोई सवाल नहीं पूछने की हिम्मत कर सकेगा, ठीक है कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, अपने मैथ टीचर से बहुत डरता था, तो एक भी सवाल वो पूछ नहीं पाया। तो डेयर, डेयर में सोता है क्या, साहस करना, तो वो साहस नहीं कर सकेगा तो डेयर नॉट लगेगा। नीड मत होता जरूरत होना, तो यहाँ पर जरूरत का कोई सेंस नहीं है, वह इतना डर गया कि वो उसमें वो हिम्मत नहीं था कि वो टीचर से ना मैथ टीचर से कोई सवाल कर सकें, तो डेयर में सोता साहस करना, तो डेयर नॉट मतलब साहस नहीं करना। सेवन है वी मस्ट और ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम सभी को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चाहिए तो है लेकिन कर्तव्य का बोध करा रहा, तो क्या होगा, ऑटो टू लगेगा।
मस्ट तो बताए थे जहां पर कोई भी काम बहुत आवश्यक है, यानी मस्ट लगेगा अवश्य चाहिए के सेंस में। एट है द क्लाउड्स आर गेटिंग पिच डार्क, बादल बहुत ही गहरे हो रहे हैं, बहुत काले हो रहे हैं, बहुत काले। जैसे बादल जब बहुत ज्यादा काला हो जाता है ठीक है ना, तो क्या होता है ना बारिश होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होता है। यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है, इट मे और माइट रेन एनी टाइम, तो किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, हो सकती है, संभावना को बहुत करा रहा। तो देखिये मे लगेगा कि माइट लगेगा, तो संभावना के लिए मे भी इस्तेमाल करते हैं और माइट भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो माइट है ठीक है, माइट क्या करता है कम संभावना का बोध कराता है, मे क्या करता है वो ज्यादा संभावना का बोध कराता है। तो यहाँ पर बादल क्या होता है बहुत काले हो गए, तो एकदम बारिश होना क्या लगभग लगभग क्या फिक्स हो गया, मतलब एकदम पूरा चांस बहुत ज्यादा है कि बारिश होगा ही होगा, क्योंकि आसपास क्या अंधेरा छा गया, बादल ठीक है, बादल बहुत काले हो गए। तो ज्यादा संभावना का बोध कौन कराता है, मी कराता है, तो मी हो जाएगा इसमें आंसर ठीक है। अगर रहता कि सिर्फ बादल आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, आकाश में दिखाई पड़ रहे तो बारिश हो सकता है, नॉर्मल रहेगा तो माइट लगा देंगे, लेकिन जब ज्यादा संभावना को बोध कराना तो मी लगाना पड़ता है। वी विल और वुड प्ले फुटबॉल टुमोरो एट 5 PM, फिर बोला जा रहा है कि हम सभी कल यानी कल यानी आने वाले कल, स्टडी में सोता बीता हुआ कल और टुमारो में सोता आने वाले का, बोला जा रहा है कि हम सब कल 5 बजे फुटबॉल खेलेंगे। तो क्या है फ्यूचर टेंस ठीक है, भविष्य काल, तो भविष्य काल के लिए बताया आपको सैल और विल लगाते हैं, तो विल में हो जाएगा, विल विल वुड नहीं लगाते हैं। देखिए ये इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आंसर का, और किताब में जब देखिएगा तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, और इसको कॉपी में लिख लीजिए।